देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, जितनी भी मार्जिनल कॉस्टिंग है आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और यहाँ पे देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मेथड है विच जो कि चार्ज करता है। ठीक है, देखिए ये इसका मेन वर्ड है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग, सबसे पहले तो एक कॉस्टिंग का मेथड है पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना चार्ज होता है किस पे? प्रोडक्ट पे। विद ओनली कॉस्ट वेरी करती है डायरेक्टली विद द वॉल्यूम। ठीक है, जो कि जितना भी हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट होगा आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करेंगी, ये वेरी करेंगी। तो वही कॉस्ट, ठीक है, जो कॉस्ट वेरी करेगी किसके साथ में वेरी करेगी? वॉल्यूम के साथ में। तो उसी कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जो हमारी वेरी करती हैं जितना भी हमारा आउटपुट, ठीक है, जो भी हमारी प्रोडक्शन है आउटपुट है जितना उसमें कम और ज़्यादा होगा। यह डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन फ्रैंक ने दी है। उसके बाद कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक है किस चीज़ की? डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इन एग्रीगेट एग्रीगेट कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वन यूनिट ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट। ये कह रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है एक टेक्निक है जो हमें ये बताएगी कि चेंज कितना हो रहा है, ठीक है, किस में चेंज हो रहा है? जो भी हमारी एग्रीगेट कॉस्ट है ड्यू टू इंक्रीज इन वन यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से, ठीक है, वन यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, यही क्या है? यही है अपनी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? जोसेफ ने। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासिफाइड किया गया है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये यूज़फुल है, ठीक है, ये यूज़फुल किस में है? मार्जिनल में या एब्जॉर्प्शन में, बताइए। इसका राइट आंसर है मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या करती है? क्लासिफाइड करती है, फिक्स को अलग करती है, वेरिएबल को अलग करती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, इसके लिए हमें एक फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ता है, एक स्टेटमेंट ध्यान रखनी पड़ती है, इसका नाम होता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या नाम है इसका? इनकम स्टेटमेंट। तो जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम इसमें सेल रखते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना? कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कहिए या फिर हम इसे मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है? अंडर विच मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है जहाँ पे कॉस्ट आर क्लासिफाइड अंडर फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट? ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट, और फिक्स कॉस्ट को हम लोग चार्ज करते हैं या रिटर्न ऑफ करते हैं कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यही इस चैप्टर का मीनिंग है। आप बार बार इस क्वेश्चन को इस चीज़ में भी ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसका मीनिंग भी यही है जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक मेथड है जो क्लासिफाइड करता है टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, फिक्स एंड वेरिएबल, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसे प्रोडक्ट पे चार्ज करता है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करता है या रिटर्न ऑफ करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट इंक्रीज होती है कब? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, जब प्रोडक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीज। जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना बढ़ती जाएगी। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, ये अब दूसरी बात क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट है किसे कहते हैं लोग फिक्स कॉस्ट? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या है, तो रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये कह रहा है क्या कि जो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है जो रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे हम आउटपुट कम हो या ज़्यादा, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, 6 में थोड़ा अलग बात पूछी गई है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज भी हो सकती है जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। उसके बाद जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी
ठीक है, फिक्स कॉस्ट का बर्डन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सपोज करिए आपने कोई गोडाउन रेंट पे लिया हुआ है, कोई मशीन रेंट पे ली हुई है, कोई मशीन लगा रखी है आपने, ठीक है, तो आप कम, अब इसका जो मशीन का रेंट है वो तो फिक्स है, वो तो जाना ही जाना है, सपोज करिए 10,000 है, लेकिन आप लोग पहले 1,000 यूनिट बना रहे थे, फिर 10,000 यूनिट बना रहे हैं या 1,00,000 यूनिट बना रहे हैं, तो जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना तो फिक्स कॉस्ट का बर्डन जो है ना पर यूनिट वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इस बात को तो थोड़ा सोच के देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बताइए कैसी रहेगी। ठीक है कि वेरिएबल कॉस्ट कैसी रहेगी, रिमेन कॉन्स्टेंट पर यूनिट। देखिए जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, इसका टोटल वेरिएबल होता है, इसका जो टोटल है वो वेरी करता है अगर हम बात करें पर यूनिट की। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये जो है वेरी नहीं करता, बल्कि ये तो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, पर यूनिट के बेसिस पे अगर वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपनी एक फिक्स में आएगा। उसके मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका मीनिंग क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो यहाँ पे मीनिंग लिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, वो है इसका आंसर डी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, जैसे हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल हेड में क्या आ सकता है, जैसे फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनका जितना भी पार्ट, कौन सा पार्ट होगा, वेरिएबल। फिक्स के टू पार्ट्स हैं, फिक्स एंड ये सॉरी फैक्ट्री के टू पार्ट्स हैं, फिक्स पार्ट और वेरिएबल। तो यहाँ पे आप वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। ऑफिस के टू पार्ट्स हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो आप यहाँ पे वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मार्जिनल कॉस्ट की जो इक्वेशन है वो बतानी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि इन दोनों में से कौन सी इसकी इक्वेशन है। तो इसका राइट आंसर देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का, सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू है कंट्रीब्यूशन के, और प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस प्लस फिक्स कॉस्ट, और ठीक है इसमें से कंट्रीब्यूशन की भी इक्वेशन है, इक्वेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं बन रही है, तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मच इज मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट एंड हाउ मच इज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको एक तो पता क्या बतानी है, मार्जिन कॉस्ट बतानी है और वो भी पर यूनिट बतानी है। ठीक है, कैसे बतानी है, पर यूनिट। तो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, क्या ना क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट और अपॉन में डिफरेंस इन आउटपुट। देखिए डिफरेंस, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है, यहाँ से कितना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 30,000, और यहाँ से कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन आउटपुट प्रोडक्शन 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, अभी हमें पता नहीं है कौन सा आंसर होगा। उसके बाद हमें निकालना है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे लिखता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस आउटपुट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये फॉर्मूला है। अब तुम कोई भी लेवल ले लो, मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी है फर्स्ट वाले लेवल में, 1,00,000 माइनस आउटपुट कितना है फर्स्ट वाले का, 20,000 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पर यूनिट कितनी आई थी, 3 रुपीज़, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 को माइनस करेंगे 1 लाख से तो आंसर कितना आएगा 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। बताइए क्लियर है सभी को। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, कह रहा है कॉस्ट रिलेवेंट टू मेकअप मेक और बाय डिसीजन। ये कह रहा है कि हमें कुछ चीज़ बनानी चाहिए या कंपनी बनाई खरीदनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज, तो इसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कि मेक और बाय के डिसीजन में हम लोग किस कौन सी कॉस्ट का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए अनअवॉइडेबल वेरिएबल या फिर सर्विस टैक्स, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन, नन ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वन यूनिट, ठीक है। हमने क्या किया कि अपने आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज कर लिया है, वन यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है, तो उससे क्या हुआ हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें चेंज हो गया है। तो ये जो चेंज हुआ है, ठीक, इस चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। वन यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पर जो भी हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, किस में, टोटल कॉस्ट में, वही अपना क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स क्या है बताइए, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा? तो यह है मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय किसके, वेरिएबल कॉस्ट के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या कहा है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका बताइए, इसका राइट आंसर होना चाहिए प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज, ये आ जाएगा सी। मार्जिन कॉस्टिंग हेल्प करती है, बताइए किस में हेल्प करती है, मार्जिन कॉस्टिंग हेल्प करती है चाहे तो अपनी प्रॉफिट की प्लानिंग हो या कॉस्ट कंट्रोल हो या मार्जिनल डिसीजन हो या फिर ऑल ऑफ द अबव। कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन को कैसे जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एग्जम्पशन, एग्जम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की जो एग्जम्पशन है वो क्या है, तो इसमें फिक्स कॉस्ट जो है ना रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कॉन्स्टेंट है, तो ये सभी इसके एग्जम्पशंस हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो टर्म एज, जो हमारी दूसरी वाली कॉस्टिंग है। इस चैप्टर के अंदर दो ही चीज़ों को डिस्कस किया गया है, सबसे पहला है मार्जिनल और सेकेंड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इन्होंने कहा है कि हम क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, ठीक है, क्या कह सकते हैं, तो ये क्या है अपना टोटल कॉस्टिंग मेथड। देखिए इसके अंदर सभी को इंक्लूड करेंगे, मार्जिनल के अंदर सभी को इंक्लूड करेंगे और सॉरी एब्जॉर्प्शन के अंदर सभी को और मार्जिनल के अंदर ओनली वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कह रहा है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे वैल्यूड होता है, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका जो टोटल आंसर है, इसका सही राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वैल्यूड होता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, तो कैसा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो है लोअर। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग वो लोअर होगा किससे, अगर हम कंपेयर करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। उसके बाद कह रहा है सेल, सेल्स कितनी है, इतनी है फिक्स, इतनी है वेरिएबल कॉस्ट, इतनी है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आप जो है ना सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेट, ठीक है, ये हमने इससे पहले भी कई चैप्टर में डिस्कस किया है कैसे निकलेगा। ये हमारी एक स्टेटमेंट जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, क्या नाम है बच्चों इसका, नाम इनकम स्टेटमेंट। आप इसके अंदर सेल रखिए, फिर वेरिएबल कॉस्ट रखिए, यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट रखिए, तो यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जो भी तुम्हारे से पूछे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सेल में से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, किसे माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को, 15 लाख को जैसे ही लेस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, 7,50,000। डायरेक्ट मेटल इतना है, वेजिस इतना है, फैक्ट्री के एक्सपेंस इतने हैं, तो प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, ये तुमने बीकॉम सेकंड में पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर,
जब हम लोग मटेरियल और वेजेस को अगर प्लस कर दें, ठीक है, वेजेस हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या फिर डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस हो, किसी भी नाम से लो इन्हें, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, तो इन सबको प्लस करने से, ठीक है, इन सबको प्लस करने से जो अपना आंसर आएगा वो आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका जो है 23 का, देखिए, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएगा 60, और राइट आंसर बी, कंट्रीब्यूशन इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दें तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, तो आपको इसमें से इसे माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगी वही आपका 24 का राइट आंसर जो है 60,000 होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ यूजफुल, ये कहाँ पे यूज़फुल है, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो कहाँ पे यूज़फुल है, चाहे तो मेक और बाई की बात हो, चाहे प्रोडक्शन की बात हो, या फिर एरिया ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन की बात हो, सभी में इंपॉर्टेंट इसका रोल है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट कह रहे हैं, फिक्स कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट कितनी है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का इतना है, और प्रोडक्शन कितना है, 1,20,000। तो तुम क्या करोगे, यही स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे रखना 120, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 तो प्रोडक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई पहले सेलिंग प्राइस से करना, फिर वेरिएबल कॉस्ट से करना। तो तुम लोग क्या करोगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट की जो मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना, आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करके, देन फिक्स कॉस्ट 4 लाख को लेस करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो इस तरह से जब तुम माइनस करोगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आएगा बी। उसके बाद कह रहा है पीरियड कॉस्ट, जो पीरियड कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो हमारी है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल है, और अगर पीरियड कॉस्ट की बात करें टाइम के जो बेसिस पे हमारी कॉस्ट होती है वो होती है 27 का राइट आंसर होगा बी। अंडर विच कॉस्टिंग मेथड ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये कह रहे हैं देखिए मतलब कितना सिंपल सा है, पूछा है कि जो है जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो सिर्फ चार्ज होती है कौन से वाले मेथड में, मार्जिनल कॉस्टिंग में। 29 की बात करते हैं, द फॉलोइंग विच कॉस्टिंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, देखिए ये कह रहा है कि अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है कॉस्टिंग के बारे में तो कौन सा जो है मेथड सुटेबल होगा, कौन सा इजी होगा, ठीक है, तो राइट आंसर है इसका मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्ट, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड है, तो एक ही सिंपल इसका मीनिंग समझ के चलिए, वेरिएबल, ठीक है, जो ये हमारा मेथड है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, 30 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तुम लोग बुक से चेक कर लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, देखिए कह रहा है वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को लेके सबसे मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, तो ठीक है मार्जिनल में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो वो किस चीज़ को लेके है बताइए, राइट आंसर कितना होना चाहिए, सी, फिक्स कॉस्ट को लेके, ठीक है। कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आर एड टू इन्वेंट्री, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सा कॉस्टिंग का मेथड है जिसमें फैक्ट्री फिक्स वाले जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसे भी इंक्लूड करेंगे, कहाँ पे, इन्वेंट्री के अंदर, तो वो कौन सा होगा अपना बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। अब जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करती है, और जो अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये बोथ कॉस्ट को इंक्लूड करता है, वेरिएबल और प्लस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन बताइए कैसे निकलेगा, अगर कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बताइए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखो कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट बताई थी अभी कुछ देर पहले, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसे ये पूछा गया है, तो
तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसे अगर इसे प्लस करें तो ये आ जाएगा, अगर इसमें से इसे माइनस करें तो ये आ जाएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें जाए तब भी कंट्रीब्यूशन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट के साथ प्लस किया जाए। देखिए मैं रख के दिखाता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, और अगर मैं 3 में 2 को प्लस कर दूँ तब भी तो 5 आ सकता है, तो नीचे से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है, ऊपर से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। उसके बाद कह रहा है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज। अगर अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो कंसेप्ट है यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज, ये इंक्रीज कैसे होती है? ठीक है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट जो है प्रोड्यूस करके। वन एक्स्ट्रा यूनिट जब हम लोग बनाएंगे तभी तो निकलेगी मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, पहले हम लोग 10,000 यूनिट बना रहे थे या 1,000 यूनिट बना रहे हैं, 1,000 को बनाने की 10,000 लाख कॉस्ट आ रही है, और फिर हम लोग 1,000 एक यूनिट बनाने लगे तो कॉस्ट आ रही है 10,050 रुपये। तो वन एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर ही तो निकलती है, जब हम लोग अपना आउटपुट इंक्रीज करेंगे तभी तो निकलेगी मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, प्रॉफिट शो बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, कि जो प्रॉफिट शो हो रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड उसके अंदर एग्जिट्स शो बाय मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड इफ, तो इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा बच्चे? इसका राइट आंसर होगा अपना ए, यूनिट प्रोड्यूस एग्जिट्स यूनिट सोल्ड। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, मार्जिन कॉस्टिंग हेल्पफुल है, किस चीज़ में हेल्पफुल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है टेक मैनेजर डिसीजन में, प्राइस डिटरमिनेशन में, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37, डिफिकल्टी इन डिविजन। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन है वो डिविजन ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट को वेरिएबल में के अंदर डिवाइड करना, फिक्स के अंदर डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके जो है लिमिटेशन है। सेकेंड क्या है, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। उसके बाद इनएप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, इसके अंदर जो प्राइसिंग सिस्टम है वो इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है, सूटेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन है किसकी, ये जो है मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशन है। उसके बाद है इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग मेथड लाइक जैसे हमारे जो अदर मेथड है, क्या उसकी तरह है ये? नहीं। ठीक है, जो ये तो एक टेक्निक है, जैसे एक प्रोसेस है, ये कोई कॉस्टिंग का मेथड नहीं है जिस तरह से ये मेथड है हमारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एवर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इस तरह के जो इसके जितने भी एमसीक्यूज थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप अपना इसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे।